हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं फैमिली के साथ कोटद्वार सिद्ध बली मंदिर में। ये परवेज भैया भी हमारे साथ जा रहे हैं, उनकी फैमिली भी। अभी दुक्कू भी उठ चुकी है, बैठी हुई आराम से नहाने के लिए। ना मम्मी नहीं लाएंगे अभी से, इसकी मम्मी भी जा रही है, बैठी है मुँह छुपा के, कह रही है नहा ही नहीं उसे, व्लॉग में नहीं आने की, बिना नहाए। पापा भी उठ गए, बाकी सब जने उठ गए ना, मैं तो नहा धो के तैयार भी हो गया हूँ। दीदी नहा रही है, मम्मी भी नहा चुकी, अभी नहा धो के तैयार होकर निकलते हैं यहाँ से कोटद्वार के लिए। अभी सब नहा धो के हो गए तैयार, उनको भी हमारी नहा धो के फ्रॉक पहन लिए, दीदी भी नहा लिए, बाकी सब भी नहा लिए। मम्मी की हालत थोड़ी पतली हो गई है, उल्टी सी होने लगी है, ये यानी पीछे। अपन निकल लें, परवेज भैया भी घर से निकल चुके अपने, कह रहे हैं अपन निकल लो जल्दी से, 5:30 बज रहे हैं, 5 बजे निकलना था, देर हो गई नहाने धोने में। अब निकल लें यहाँ से, दिन सा भी हो गया है, पहुँच जाएंगे टाइम से कोटद्वार। अब निकल गए हैं फाइनली, 5:30 बज गए पूरे, परवेज भैया भी इंतजार कर रहे हैं, बस चल रहे हैं अब यहाँ से। देखो कितने बजे तक पहुँचते हैं, कम से कम 2 घंटे लगेंगे पहुँचने में। पापा चला रहे हैं अभी गाड़ी। अभी ये भाई परवेज भैया के पास आ गए हैं, भैया खड़े थे बाहर रास्ते में, बैठ रहे हैं सारे के सारे। भाभी भी आ गई हैं, सार्थक मेरी भी आ गए। उल्टी वालों ने बुरा हाल कर रखा है, ये लगी पड़ी है पीछे, ये बीच वाली सीट में सारे उल्टी वाले बैठे हुए हैं। गोली खिलाने का भी कोई फायदा नहीं हो किसी को, सारे उठते फिर रहे हैं। तो बारिश हो रही इस टाइम भाई, बहुत बढ़िया हालत खराब हो गई भी देखो तो। आधा रास्ता पार कर लिया है, बस थोड़ा सा और रह रहा है, अब पहुंच जाएंगे तकरीबन 1.5 घंटे बाद कोटद्वार में। तो भाई अभी रह गया बस यहाँ से 55 किलोमीटर रह गया है कोटद्वार। कोई पूरे मजे लेती आ रही है, बाकी सबकी भाई विकेट डाउन हो चुकी है, बैठे हैं सारे यहाँ पे, सबकी हालत खराब हुई पड़ी है, बट डुग्गू और मैं तो मजे में आए पूरे रास्ते। अभी पापा गिरवा रहे हैं गैस, उसके बाद चलेंगे, यहाँ से 55 किलोमीटर और रह गया है भाई। गैस तो गिरवा ली है, नमकीन खाएंगे, मम्मी नमकीन का पूरा पैकेट लिए बैठे, भैया लाए थे। अभी हवा चेक करवा रहे हैं गाड़ी में पापा, हवा कम है थोड़ी सी टायरों में, बाकी सारे भूख के मारे वाले परेशान, कह रहे हैं भाई भूख लग रही है, भैया कह रहे हैं मंदिर जा रहे हो, भूख कर रहे हैं। ये सारे रास्ते उल्टी करती हुई आई है, बैठी है यहाँ पे, गोली खिलाई थी से एक आधी एक रास्ते में निकाली, आधी एक रास्ते में निकाल दी इसने। भाई मैं तो नमकीन खा लूँ, भूख लग रही है, बाद में बात करेंगे। चलो अब पहुँच गए हैं अभी तो मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं, बस 4 किलोमीटर और रह गया है, और मौसम यहाँ बहुत ही बढ़िया हो रहा है, इस टाइम बादल हो रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। पूरा ट्रैक्टर भर रखा हैगा, ये पहाड़ों के बीच में को आ गए हम भी। ये रहा इधर की तरफ सारा पहाड़ी, पहाड़ों के ऊपर चल रहे हैं अभी हम, सिद्ध बली भी हम पहुंच ही चुके हैं बस। ये रहा इधर सामने की तरफ मंदिर है, ये रहा सिद्ध बली मंदिर। मैं अंदर चल के दिखाएंगे तुम्हें मंदिर कैसा है अंदर से। मैं पहले भी अभी गया था पिछले हफ्ते ही, दो अंशु के साथ गया था, तब व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था, अंशु को अंशु ने बनाया नहीं। अब चल रहे हैं, बढ़िया से घूमेंगे वहाँ, गंगा जी में भी नहाएंगे, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ। ये आ गया सामने की तरफ सिद्ध बली मंदिर, ऊपर की तरफ पहाड़ी पहाड़ हो रखे हैं, पहाड़ों पे चल रहे हैं इस टाइम हम। अभी गाड़ी पार्किंग में लगाने ले आए हैं, पार्किंग में लगा दे फिर अंदर की तरफ चलते हैं प्रसाद वगैरह लेके। पहुंच गए भाई आखिरकार सिद्ध बली मंदिर। ये पीछे का पूरा व्यू पहाड़ों का, और ये पीछे है मंदिर का, इधर पीछे की तरफ है मंदिर, अभी चलेंगे। प्रवेश भैया पीछे बैठे बैठे परेशान हो गए, अभी चलेंगे भाई। मौसम तो एकदम मस्त हो रहा है, बादल कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पे,
और ये हमारे दूसरे नोबिता है भाई, हमारे घर में सोता आता है सोता जाता है, नींद का तो बहुत ही पक्का है। अगर जरासी पे कहीं पे मिल गई ना, जो सोने की जगह सो जाएगा ये। दीदी और डुग्गू गए उधर वहाँ फोटो शूट करने, वो खड़े सामने, एक मंदिर यहाँ पीछे भी है यहाँ पे हेरा। अब आके भी ऊपर चलेंगे, ऊपर भंडारा भी बहुत बढ़िया चलता है, चलेंगे ऊपर जरा प्रसाद वगैरह ले लें, पैर सीधे करने उतरे सारे। अभी फिलहाल पार्किंग गाड़ी खड़ी कर दी है वहाँ पे हमारी, अब चलेंगे अंदर के लिए। लोगों ने चप्पल भी उतार दिया अपनी गाड़ी में, अब भाई हम चलेंगे। प्रसाद भी ले लिया है किसी ने, भैया दोनों ने ले लिया, अब चल रहे ऊपर के लिए। तो ये भाई एंट्रेंस मंदिर की, अब यहाँ से सीढ़ी चढ़ते हुए जाना ऊपर के लिए। अभी भीड़ तो फिलहाल कम है, तो अभी शुरू हो चुकी है भाई सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ गिनते हुए चलो आ रहे हैं भाई पीछे पीछे। डुग्गू पापा के पास है, अभी ऊपर के लिए चढ़ते जा रहे हैं, सीढ़ी आएंगी एकदम तकरीबन 100-120 तो होंगी। मम्मी तो पहले ही डाउन हो गई, मम्मी के सीढ़ी चढ़ने से पहले ही, ये उल्टा उल्टा जा रहा है। पहुंच रहे ऊपर के लिए, तो हम लास्ट लेवल पर आ गए भाई, अब आ गया मंदिर, बस ये सीढ़ी चढ़ने के बाद मंदिर है। ये आ गए सिद्ध बली के भाई मंदिर में, जय बजरंग बली। ये है सिद्ध बली मंदिर भाई, ऊंचाई पर देखो कितनी है, इस टाइम पहाड़ पे हम, उधर की तरफ पूरा शहर है। यहाँ चुन्निया बांध रखी है, तो वहाँ पे सिद्ध बली महाराज बैठे हुए हैं, और अभी दर्शन कर लेते हैं। पहुँच गए अभी तो ऊपर की तरफ, वो ये आ गए सब, पापा फोटो खींच रहे हैं साथ, दो चार बूंदे पड़ने लगी, बारिश बूंदे पड़ने लगे ऊपर की तरफ, तो भाई हल्की हल्की नीचे बारिश नहीं थी बिल्कुल भी, ऊपर बादल गया और बारिश में नीचे बादल है खाली, और नीचे बह रही है भाई गंगा जी हो रही सामने। अभी भाव रोक रखा है काफी हद तक, तो दर्शन कर ले भाई, भीड़ हो गई अब भी, अभी भीड़ होना शुरू हो चुकी है। जब हम आए थे तो गाड़ी नीचे पार्किंग बहुत कम थी, अब भीड़ भी ऊपर ज़्यादा हो गई है। अब जैसे जैसे टाइम होता जाएगा भीड़ बढ़ती जाएगी, अभी तो बज रहे हैं 9, देखो 10 बजे तक तो काफ़ी भीड़ हो जाएगी, तब तक हम जाएंगे, इसलिए अच्छा पहले दर्शन कर लेते हैं। कौन कौन पहले कोटद्वार आ चुका है भाई कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करते रहो। अभी दर्शन भी हो गए तो नीचे चलें, शनिदेव महाराज का मंदिर, शनिदेव जी का मंदिर है, और नीचे भोलेनाथ जी का मंदिर रहेगा, क्रिस्टल शिवलिंग रखे हुए हैं वहाँ पर, अभी चलेंगे नीचे भी। अभी आ जाए सर तो दर्शन कर रहेंगे, दर्शन करने के बाद आ जाएँ, भाभी और विधि ने तो कर लिए दर्शन। पीछे देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है, ये आ गया उत्तराखंड का व्यू भाई, छोटे छोटे केदारनाथ रखे हुए हैं यहाँ पे, कितने प्यारे लग रहे हैं लकड़ी के बने हुए, बद्रीनाथ केदारनाथ सिद्ध बली कोटद्वार, ये भी बद्रीनाथ है, और ये वाला है भाई जय माँ धारा देवी, ये अगर राम मंदिर अयोध्या राम मंदिर भाई, ये लग रहा सबसे प्यारा, तो भाई क्रिस्टल वाले महादेव जी का भी दिखाता हूँ, देखो भाई वो वाले शिवलिंग जी है क्रिस्टल वाले हैं बिल्कुल, कितने मस्त प्यारे लग रहे एकदम। पाएगा भाई शनिदेव महाराज का मंदिर, पीपल का पेड़ लग रहा है यहाँ, इधर इधर मूर्ति भी है। अब चलेंगे यहाँ से नीचे, यहाँ पे चलता है भंडारा, भंडारा खाएंगे और सीधे फिर नहाने धोने चलेंगे यहाँ से।
मम्मी पापा तो चल दिए नीचे की तरफ, भैया दीदी और भाभी वगैरह आ रहे हैं। मम्मी नीचे पहुँचे भाई, योरी नीचे वहाँ तैयारी चल रही है, भंडारा चल रहा है मस्त। अभी आगे खाऊंगा, भूख लग रही है मुझे भी। यहाँ सिस्टम बहुत बढ़िया कर रखा है भाई खाने का, मतलब यहाँ से तुम फील कराओ एक बार, अगर तुम्हारा ख़त्म हो जाए तो इस तरफ की तरफ यहाँ पे टेंट लगा रखा है, जो यहाँ से तुम दोबारा रिफिल करवा सकते हो खाना अगर खाना है तुम्हें। ये जा रही है मम्मी और ये जा रहे हैं दोनों के दोनों, मम्मी और चीनू दोनों जा रहे हैं, और पीछे भी और जने भी आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं पीछे। तब तक हम चल रहे हैं नीचे की तरफ आराम आराम से। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, हवा नहीं लेकिन गर्मस हो रही है इस वजह से। देखते हैं अभी चल रहे हैं नीचे के लिए, आराम से भंडारा खाएंगे फिर देखेंगे आगे क्या प्लान है। मैं तो नहाऊंगा भाई गंगा जी में, पीछे की तरफ गंगा जी बह रही हैं वहीं पर नहाएंगे आराम से। भैया भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था सारता के, वो भी नहाएगा ही नहाएगा, वो मानेगा नहीं। चलते हैं अभी ले लें प्रसाद, उसके बाद खा पी के नीचे की तरफ चलेंगे भाई। यहाँ पे प्रसाद आज छोले बने हुए हैं, छोले आलू बेलिया हलवा पूड़ी। भाई चीनू खा रही है छोले चावल, वो कढ़ी चावल भी खा रही है, तो खाना भी खा लिया एकदम। मम्मी देखो दो दो प्लेट में खाना खा रही है, कढ़ी चावल हलवा खूब खाया मम्मी ने। अब वो रास्ते ऐसे आए हैं उल्टी हो जाए अभी हो जाए। भैया देखिए तो अब भी हालत ख़राब हुई शादी की, सर पकड़े कर बैठ गया अभी भी, ये ठीक ना होने की अभी अब तक घर नहीं पहुँचे। हल्के हल्की धूप भी निकल गई है यहाँ पे, देखो कैसा रहता है मौसम, गर्मी है अभी मौसम में, हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी। हम नीचे जाके नहाएंगे गंगा जी देख के, जा रहे हैं वापस गाड़ी के पास। अभी भैया तो खाना खा रहे हैं, बाकी तो सबने खा लिया, साथ तक और प्रवेश भैया खाना खा रहे हैं। बाकी सब चल दिया हमें नीचे की तरफ, मैं भी जा रहा हूँ नीचे ही। फिर से सीढ़ियाँ उतर रहे हैं दूसरी तरफ से, हम उधर की तरफ से आए थे, अब जा रहे हैं वापस इधर की तरफ से उल्टा घूम के। खाना बहुत बढ़िया बना रखा था भाई, भंडारा A1 था, मज़ा आ गया खा के। अब नीचे की तरफ चलेंगे, अब जाएंगे गंगा जी में नहाने, तो भाई नीचे मिल के पहुँचेंगे। ये विधि आ ली, विधि ने तो कुछ खाया नहीं, इसे तो बेचारी की तबीयत खराब नहीं पड़ी है, इसे कहीं ले के जाओ तो उल्टी करते करते परेशान हो जाती है। चलो भाई आखिरकार आएगा नीचे भी, अब गाड़ी के पास चले। भाई नीचे आ गए मैं, गाड़ी खड़ी पीछे की तरफ, दुग्गो ने ले लिया गधा, अभी इससे मुझे मार करेगी पता है मुझे। तो भैया इसमें 100 का नोट भी लग रहा है पर नकली वाला है। अब तो गंगा जी में नहाएंगे, धूप निकल गए बहुत ही बढ़िया वाली, दिक्कत हो गई अब तो नहाने को भी नहीं मिलेगा। बारिश की वजह से रास्ता बंद हो गया था, तो पुलिस वाले आगे जाने नहीं दे रहे हैं, बैठे हैं वहीं पे धर्मशाला के पास आगे की तरफ, मना कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं हो, बस दर्शन ही हो पाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नहाने की सोची थी, नहाने ही नहीं हो पाया, पिछली बार भी आया था तब भी नहीं हो पाया था, बारिश हो रही थी उस टाइम। चलो भाई देखते हैं जो भी है। मैंने तरंग लाई, रास्ता मिल गया नीचे उतरने का, ही गिरा खुफिया रास्ता मिला है पुल के नीचे बिल्कुल। अब चल रहे हैं, अब वहाँ जाके आराम से मज़े करेंगे। भाई रास्ता थोड़ा गंदा हो रहा है, कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ, इसलिए तरह से कोई याद नहीं रह जाता। भाई पहुंच रहे हैं, तो चल रहे हैं भाई आगे, मजा आ गया। इधर फाइनली पहुंच गए हैं नीचे, पीछे गंगा जी बह रही हैं, नीचे आने को मिली क्या, सोचे थे नीचे आने को मिल ही नहीं पाएगा। कितना बढ़िया लग रहा है व्यू वहाँ पर। अभी आगे की तरफ चलने और थोड़ा सा पत्थर बहुत है यहाँ पर, आराम से चलना पड़ेगा बिल्कुल। भाई यहाँ अभी ना पाए, सामने पुलिस वाले बैठे थे, उन्होंने देख लिया। यहाँ बारिश हुई है ना, इस वजह से सारा का सारा वो पाया पड़ा है, कीचड़ कीचड़, मौसम ख़राब है, इस वजह से लोग भगा रहे हैं यहाँ से। देखते हैं क्या करना है आगे, सारा मज़ा तो ख़राब हो ही गया है। नहाने को मिलता तो ज़्यादा मज़ा आता, गर्मी हो रही है बहुत। चल रहे वापस ऊपर की तरफ गाड़ी के पास ही, जा रहे हैं भाई हरिद्वार, वहीं जाके नहाएंगे। यहाँ तो नहाने को नहीं मिला, पुलिस वालों ने यहाँ पे भगा दिया, नीचे पानी तेज बह रहा था इस चक्कर में। अब वहाँ जाएंगे हरिद्वार में नहाएंगे जाके, अभी पहले यहाँ से कीरतपुर जाएंगे, वहाँ पे गैस जलवाएंगे और उसके आगे हरिद्वार। बस 10 किलोमीटर रह गया हरिद्वार यहाँ से,
पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। ये देखो शेरा वाली माता की कितनी बड़ी मूर्ति है यहाँ। इधर की तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं और 10 किलोमीटर रह गया, अब जाके नहाएंगे वहाँ पर। अभी हरिद्वार में ये भाई भीड़ का आलम देख लो, भीड़ ही भीड़ हो रखी है। ज़्यादातर लोग अभी आ रहे हैं क्योंकि सावन में फिर भीड़ हो जाएगी, चक्कर में कोई नहीं आने का, जाते इसलिए पब्लिक अभी आ रही है। पीछे तो और भी ज़्यादा भीड़, पार्किंग में लगी पड़ी थी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, और यहाँ भी अभी जाम सा लग रहा है, आगे पुल तक ऐसे हो रहा है। पहुँचते हैं कितनी देर में, अभी भी रह गया 6.5 किलोमीटर यहाँ से हर के पौड़ी का रास्ता, वहीं पर आएंगे आस पास की जगह, भीड़ कम होगी। बाकी उधर रहेगा वहाँ पे मनसा देवी का, मनसा देवी रेड जो दिख रहा है वहाँ पे मनसा देवी का है। चुका मैं फाइनली हरिद्वार के अंदर, इधर की तरफ गंगा जी बह रही है। अब पहुँच रहे हैं यहाँ पे, एक ओम का ब्रिज बना हुआ है ना, वहाँ के वहाँ रुक के नहाएंगे। नीचे में पानी अभी कम, तो अभी वहीं जाके रुकेंगे। देखो चल रहे अभी तो, ये पागल हो गई। परवेज भैया तो पीछे बैठे हुए, भाभी दीदी और परवेज भैया पीछे की तरफ बैठे हुए सारे, और ये जितने बैठे हैं ना बीच में ये सारे उल्टी वाले हैं, इसलिए इन्हें बीच बैठा रखा है। घूम लिए चले वापस, ना के जाएंगे। मौसम है ठंडा मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो कोटद्वार में धूप निकल गई थी, गर्मी हो गई थी वहाँ। हम नहाएंगे उसके बाद निकलेंगे यहाँ से घर, बज रहे हैं अभी 12:30, घर देखो किस टाइम पहुँचेंगे फिर हम। अभी आ गए हैं हरिद्वार में भाई, अब नहाएंगे यहाँ पर। दीदी तो पीछे बैठी पड़ी थी पूरी पूरे रास्ते, भाभी परवेश भैया और दीदी, मैं तो आगे बैठा था आराम से वीडियो बना रहा था। हाँ ये भी कह रही है भैया आए हैं, कर रही है, ये भी नहाएगी। डुगू नहाएगा गंगा जी में, नहाएगी गंगा जी में, डुगू भी नहाएगी गंगा जी में। उधर की तरफ तो नहीं गए, ओम जहाँ बनना था उस साइड नहीं गए, वो पीछे की तरफ है हमारे, हम तो इस साइड आ गए दूसरी तरफ को। यहाँ पे नहाएंगे आराम से, हाँ भी बढ़िया हो रहा है पानी, एकदम पानी का बहाव दिखाऊंगा अभी और कितना ऊपर आ रखा है। देखो भाई पानी चल कितनी तेज रहा है, तेज कितना और कम पानी कितना ऊपर तक है। यहाँ लगातार 2-3 दिन बारिश हो गई, इस वजह से मौसम ऐसे हो रहा है, यहाँ मौसम भी बहुत ठंडा सा है। अब यहाँ नहाएंगे आराम से, तो अभी तो नहा धो के हो गए बिल्कुल सेट भाई, ठंडा पानी है बहुत, भैया भी नहा लिए, खूब डुबकी लगाई है भैया और मैंने, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी हो रहा है इस टाइम। और डैम के पास यहाँ पीछे की तरफ जो है ये डैम है तो पानी और भी तेज़ आ रहा है, तेज ठंडा पानी, बहाव बहुत तेज़, चैन पकड़ के भी रहना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, पानी काफ़ी ऊपर रहा है बारिश की वजह से, 3-4 दिन बारिश हुई है दबके, इसलिए पानी थोड़ा रेतीला हो गया है और बहाव बहुत तेज़ है। तो अब तो यहाँ से निकलने वाले घर, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।